अरुणिता कांचीलाल ने जब एक चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, वो रौनक आ जाती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अरुणिता की आंखों के सामने से ये चेहरा हटना ही नहीं चाहिए, ऐसी प्रार्थना कर दी अरु। लेकिन क्या है कि उन्हें काम की वजह से इधर उधर जाना पड़ता है, तो वो अपनों को टाइम नहीं दे पाती है और उनसे दूर हो जाती है। लेकिन जब वो उनसे मिलती है तो उनके चेहरे की बेताबी, उनका चेहरा खुद ब खुद खिल जाता है। तो चलिए वो चेहरा आपको भी दिखाते हैं जो अरुणिता की जान है, शान है और दिल की धड़कन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, नीतू की पलटन का नया ब्लॉग आ चुका है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फैंस, अरुणिता अभी घर में एक के बाद एक पल को खूब एंजॉय कर रही हैं और अपनी माँ के साथ उन्होंने ढेर सारे फोटो भी शेयर कर दिए हैं। माँ की लाडली अरुणिता जब घर में होती हैं तो बहुत अच्छा फील करती हैं, हर जगह घूमने जाती हैं, आस पड़ोस की आंटियों के साथ भी उनकी अच्छी खासी दोस्ती है। अरुणिता ने माँ के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि माँ की लाडली। वहीं अरुणिता ने अपने भाई के साथ भी फोटो शेयर की और कुछ लोग और भी दिखाई दे रहे हैं, शायद उनके कजिन हो सकते हैं। अपने भाई बहन के साथ भी अरुणिता खूब मौज मस्ती करती हैं और दोस्ती वाला बॉन्ड शेयर करती हैं। अरुणिता घर में बहुत टाइम बाद पहुंची, इसलिए उनके साथ हर कोई एंजॉय कर रहा है, एक एक पल को खूब एंजॉय किया जा रहा है और लगातार वो अपने फैंस को फोटो भी दिखा रही है। तो अरुणिता की जान शान कही जाने वाली उनकी माँ बहुत खुश है बेटी के आ जाने पर। अरुणिता पवन के सामने खूब हंसती है और दूसरा वो अपनी माँ के साथ खूब मौज मस्ती करती है। अरुणिता को संगीत सिखाने वाली उनकी माँ ही है, अरुणिता की तरह उनकी माँ की भी बहुत अच्छी आवाज है। तो आप अरुणिता की फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरुणिता की फैमिली में सबसे दिलचस्प सदस्य कौन लगा आपको? अरुणिता कांचीलाल अब छोटी मोटी सिंगर नहीं रही, बल्कि बड़े बड़े सिंगर्स की लिस्ट में अरुणिता कांचीलाल का नाम शामिल हो गया है। और इसी के साथ अरुणिता कांचीलाल का लुक भी दिन पर दिन बदलता ही जा रहा, हाई प्रोफाइल में अरुणिता कांचीलाल आने लगी हैं। अब बड़े बड़े स्टार्स के बीच जाती हैं तो उन्हें अपना लुक तो बदलना पड़ेगा ही। हाल ही में अरुणिता कांचीलाल काफी सिक्योरिटी के साथ शो में पहुंची थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरुणिता कांचीलाल के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं जो कि घेर लेते हैं। ऐसे में अरुणिता की परफॉर्मेंस पे दिक्कत ना हो और भीड़ से उन्हें नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए वो हाल ही में बॉडीगार्ड के संग शो में पहुंची थी। अरुणिता कांचीलाल मंच पर गा रही और उनके चारों तरफ सिंगा फोर्स वीआईपी बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जो कि वाकई बहुत खूबसूरत पिक्चर लग रहा था। वायरल फोटोज में अरुणिता कांचीलाल की ग्रैंड एंट्री ने सभी के होश उड़ा दिए। पवनदीप भी शॉक रह गए जब अरुणिता त्रिपुरा शो में कई बॉडीगार्ड के साथ मंच पर पहुंची। अब सवाल ये भी है कि अब तक अरुणिता बॉडीगार्ड लेकर नहीं जाती थी क्योंकि वो पवनदीप के संग जाती थी, लेकिन जिन शो में वो अकेली जाती है वहाँ उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। कई बार अरुणिता लोगों के बीच फंस गई थी जिसके बाद अरुणिता ने बॉडीगार्ड के साथ जाना ठीक समझा। वही सवाल ये भी है, क्या अरुणिता पवन के संग इतना कम्फर्ट फील करती है, उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, या पवन उनका इतना ख्याल रखते हैं जो कि अरुणिता को किसी की जरूरत ही नहीं होती है। वैसे पवन है ही इतने मासूम कि किसी के भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अरुणिता संग उनका मजबूत बॉन्ड भी है, तो पवन अरुणिता के दोस्त कम है और बॉडीगार्ड ज्यादा है। वैसे आपको अरुणिता के कौन से बॉडीगार्ड ज्यादा पसंद है, सिंगा फोर्स वीआईपी बॉडीगार्ड या फिर पवनदीप के साथ? फाइनली अरुणिता की झलक दिख गई, पवन के पास ना होने पर वो अपना टाइम स्पेंड कैसे कर रही है, उसकी एक झलक आप भी देख लीजिए। आज तो अरुणिता ने सबके होश उड़ा दिए, अपनी अदाओं से दिल खुश कर दिया। जी हाँ, अरुणिता सुबह सुबह डांस करती दिखाई दी। अरुणिता सुबह सुबह मौज मस्ती करती है और अपनी दोस्त के साथ खूब लटके झटके मार रही है। आजकल सोशल मीडिया पर एक गाना खूब ट्रेंड हो रहा है, वो शायद आपको भी पता होगा। जी हाँ, वो गाना है मेरा दिल ये पुकारे आजा। इस गाने का खूब क्रेज देखा जा रहा है और इस गाने पर ढेर सारी इंस्टाग्राम रील्स भी देखी जा रही है। जब से एक पाकिस्तानी लड़की ने इस गाने पर डांस किया है तब से इस गाने की खूब चर्चा हो रही है और अब अरुणिता ने भी इस गाने पर रील बनाई है जो वाकई उन पर खूब सूट कर रही है और इससे कहीं ज्यादा अरुणिता का खूबसूरत लुक पसंद किया जा रहा है। वायरल वीडियो में अरुणिता अपनी दोस्त के संग मेरा दिल ये पुकारे गाने पर डांस कर रही है, ठुमके लगा रही है, चेहरे के क्यूट एक्सप्रेशन दे रही है और किसी को पसंद आए ना आए,
लेकिन ये वीडियो पवनदीप को बहुत पसंद आ रही है। वो बार बार देख रहे हैं और अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। वहीं अरुणिता ने अपने लुक से भी सबके होश उड़ा दिए। अरुणिता साड़ी पहनकर इस गाने पर ठुमके मारती दिखाई दी और साथ ही उन्होंने चोका नेकलेस से अपने लुक को परफेक्ट बनाया था। अगर आपको भी अरुणिता के डांस की वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और हाँ, अरुणिता की तारीफ में कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फैंस, पवनदीप की एयरपोर्ट से वीडियो सामने आ चुकी है। पवनदीप के चेहरे पर खुशी तो दिखी लेकिन वो अंदर ही अंदर दुखी भी हैं। उनके आसपास कोई नहीं दिखा और पवनदीप एयरपोर्ट पर बैग के साथ दिखाई दिए। उनके दुखी रहने का राज अरुणिता कांचीलाल है। पवनदीप अरुणिता के संग नहीं जा पाए, वहीं पवनदीप खुश इसलिए हैं, जिधर जिधर वो जा रहे हैं उन्हें लोग बेदुपाको की सफलता के लिए बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पवनदीप का आज और कल यानी 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में शो होने वाला है। वहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार पवनदीप के संग साइली काम ले गई हैं, इसलिए और भी हैरानी की बात है क्योंकि हमेशा तो पवनदीप के साथ अरुणिता जाती हैं या फिर पवनदीप अकेले जाते हैं, लेकिन इस बार पवनदीप के साथ ना ही अरुणिता गई हैं और ना ही पवनदीप अकेले गए हैं। साइली काम ले क्यों गई, इसके पीछे भी कोई बड़ा राज हो जाता। क्या सब कुछ ठीक तो है? क्या अरुणिता की तबीयत ठीक नहीं है या फिर पवनदीप अरुणिता के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ? वैसे तो पवन के संग अरुणिता ही जाती है लेकिन इस बार क्या हो गया, तो वजह क्या हो सकती है कॉमेंट बॉक्स में सोच कर बताएं। तो हुआ ये कि इंडियन आइडल 13 के आने वाले एपिसोड में दिग्गज अभिनेता जितेंद्र आने वाले हैं और इन्हीं के साथ पवनदीप राजन भी पियानो बजाते हुए एंट्री करेंगे। सभी कंटेस्टेंट जितेंद्र की फिल्मों के गाने गा रहे होते, तभी जितेंद्र कंटेस्टेंट ऋषि से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाया हूं, क्या देखना चाहोगे? और वो सरप्राइज थे पवनदीप राजन, क्योंकि ऋषि भी वही गाना गा रहे थे जो गाना गाकर पवनदीप ने न केवल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था बल्कि देश विदेश में अपनी खास पहचान बना ली है। जी हाँ, पवनदीप ने कभी को शायद गाना गाकर इंडियन आइडल के जजेस के साथ ऑडियंस को भी खुश कर दिया था। पवनदीप का ये पहला गाना था जिसमें उन्हें खूब पहचान मिली। यही गाना इस सीजन ऋषि ने भी गाया, तो ऐसे में ऋषि को पवन से मिलकर बहुत खुशी हुई। पवन ने ऋषि को अपनी उत्तराखंड वाली कैप निकालकर पहनाई और खास सम्मान भी दिया। भाई, बुरा ये हुआ कि लोगों को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा ही तरह से यकीन था कि पवन के संग अरुणिता भी आएंगी, लेकिन मंच पर पवनदीप अकेले आए, अरुणिता नहीं दिखाई दी। इसके बाद फैंस निराश भी हुए, आखिर अरुणिता के साथ ऐसा क्यों हुआ? अरुणिता को क्या बुलाया नहीं गया? क्या शो के मेकर्स ने यहाँ भी अरुणिता के साथ भेदभाव किया, अरुणिता को पसंद नहीं करते या फिर अरुणिता की ये साफ साफ बेइज्जती समझी जाए? तो फैंस, पवनदीप राजन के जिस सॉन्ग का इंतजार किया जा रहा था उसका टीजर आ चुका है। दरअसल भूमि प्रोजेक्ट में पवनदीप उत्तराखंड का फोक सॉन्ग बेदुपा को लेकर आ रहे हैं, जिसका टीजर रिलीज हो चुका है और पोस्टर कल ही रिलीज हो चुका था। पवनदीप का बेदुपाको का धमाकेदार टीजर देखकर उत्तराखंड के वासी भी खुश हो गए और चारों तरफ पवनदीप की ही चर्चा हो रही है। मंच पर जिस तरह से पवनदीप इस गाने को गाते दिखाई दे रहे हैं वो वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और बार बार पवनदीप का ये टीजर देखा जा रहा है।